गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे के सारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से ब्लॉग में। आ गए आपका फिर दोबारा से मनोरंजन करने के लिए। तो ये है सरप्राइज ट्रिप, हम जा रहे हैं नागपुर। दिल्ली से भी सड़ी गर्मी होने वाली है, बहुत खतरनाक होने वाला, बहुत ज्यादा खतरनाक। और यहाँ पे पीछे बोल रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अपने साथ ये अनी भाई हैं, और हम जा किस पर्पज से रहे हैं, हम इस पर्पज से जा रहे हैं कि तो अनी भाई का एग्जाम है, तो अनी भाई मेरे को लेके जा रहे हैं साथ में। अनी भाई ने बोला कि तू चल मेरे साथ, और बाकी अभी ट्रेन के अंदर हमने सब कुछ रख दिया है, और हमने एसी वाली बुक करी थी, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस वजह से एसी वाली नहीं बुक हुई है, और अभी हम जा रहे हैं विदाउट एसी में। तो अभी बहुत बुरी हालत होने वाली है, बहुत बुरी हालत होने वाली है। और ट्रेन का हॉर्न बज गया, फटाफट से अभी निकलते हैं अंदर। सीट दिखाता हूँ तुम्हें कितनी गर्मी है, और जो दो भाई जुड़े हैं हमारे साथ उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। बाकी ये सफर होने वाला है, अभी टाइम हो गया करेक्ट 3, और ये ट्रेन हमें कल सुबह उतारेगी। कल सुबह कितने बजे उतारेगी वो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ा सा आगे चल के। तो भाइयों अभी फाइनली अपनी ट्रेन चल गई है, तो मैं पीछे दिख ही रहा होगा, ये भाई है अपने साथ में, और ये भाई है साथ में। भाई हेलो कर दो। और भाई कैसे हो? यहाँ पे भी अंकल आंटी सब बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी फाइनली हमारी ट्रेन चल गई है, मुसाफिरों की तरह अपने रास्तों के एंजॉय करवाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी आगे चल के आपको बताता रहूंगा उनके साथ साथ जो भी होता रहेगा। पहुंच गए हैं, और हम पहुंचे हैं गोंदिया, हमें एग्जैक्टली गोंदिया पहुंचना था, और नागपुर अभी हम पीछे छोड़ के आ गए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 1:21, यानी कि हमें पूरे 22 से 24 घंटे हो चुके हैं ट्रेवल करते हुए ट्रेन के अंदर ही अंदर। अब यहाँ से हमारा जो होटल है वो थोड़ा सा दूरी पे है, वो मैं आपको बताता हूँ और आगे का सफर दिखाता हूँ। ट्रेन में मैं इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि फोन डेड हो गया था, और चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी नहीं थे, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया कुछ भी। बाकी अभी आगे निकलते हैं और होटल में पहुंचते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ दिखाता हूँ, कौन सा होटल है, कैसा रूम है, सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी अभी हम आए नीचे आ गए हम, क्योंकि अभी हमने रूम चेंज कर लिया। वो रूम थोड़ा सा ना मतलब छोटा भी था, और वहां पर टॉयलेट वॉयलेट में बहुत गंदा पड़ा था, काई वाई जमी पड़ी थी, तो हम नहा नहीं सकते वहां पर। थोड़ा हनी भाई भाई काई जमी थी जो ये बात जो है, पीला हो रहा था पीला हो रहा था, तो हम वहां पर रुक नहीं सकते। हमने रूम इसलिए चेंज करा क्योंकि तो वो छोटा भी था, और वहां पे टॉयलेट वगैरह दरवाजा भी नहीं लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए अब हमने इस वाले रूम का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पे करके ये वाला अच्छा वाला रूम ले लिया, ठीक है। और इसका गद्दा भी आप देख सकते हो कितना फोमदार है। ये देखो कितना फोमदार है ये। तो बाकी अभी सारे के सारे थोड़े डाउन पड़े क्योंकि 22 घंटे 24 घंटे से हम सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे थे, और बैठे बैठे कूल्हे दर्द हो गए, तो इस वजह से थोड़ा सा अभी डाउन है। बट डाउन होते हुए भी तुम देख लो कितनी एनर्जी है, तो जब चार्ज रहेंगे ना तब सोचो कितनी एनर्जी होगी, फुल ओके, ठीक है। तो इस वाली ट्रिप पे तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, और इस ट्रिप पे हम ज्यादा दिन रुकेंगे, ठीक है। तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो स्टे ट्यून, एंड अभी नहाते हैं धोते हैं, उसके बाद कुछ खाने पीने चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप देखोगे
और ये अपना पूरा चार्जिंग वगैरह लगा दिया सारी एक्सेसरीज हमने, और यहाँ पर ये पूरा सामान है, ओके बहुत सारा सामान है ये रहा, और ये तो भाइयों अभी सारे भाई तैयार हो गए हैं, तुम्हारे भाई ने भी ये वाला आउटफिट पहना, नीचे लोअर नहीं है कच्चा है ठीक है, ये पहना ऊपर से, और अभी भाई लोग सारे तैयार हो गए हैं, मैं तो तैयार हूं सारे भाई अपने ठीक है, और जब ने कच्चा टी शर्ट वगैरह डाली यार बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे ना, तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया यार, बहुत ज्यादा टायर्ड है, वो भाई अलग है, तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं ना, इस वजह से थोड़ा खाना पीना करते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपको ठीक है, अभी नहीं चलते हैं, उसके बाद मार्केट दिखाता हूँ मार्केट कितनी खुली है, भाई वगैरह बता रहे हैं, भाई पहले आए हुए हैं ना, तो भाई बोल रहे हैं मार्केट वगैरह बंद हो जाती है 8:30 के आसपास, बाकी अभी जैसा भी सीन है नीचे जाके तुम्हें दिखाता हूँ ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे नीचे चलते हैं। तो भाइयों अभी आए थे थोड़ा सा बाहर की साइड कुछ खाने पीने के लिए, देखो ये लिखा हुआ है, बाकी बढ़िया बना रखा है, और कुछ भाई अभी अपना काम वाम लेने वहाँ पे सौदा लेने गए, तो कुछ भाई जुड़े हैं हमारे साथ, ये पीछे भी खड़े हैं, और कुछ भाई वहाँ पर गए अपना सौदा वौदा लेने के लिए, दिल्ली से हो भाई आप, भाई भी दिल्ली से, और कुछ भाई अपना सौदा वौदा लेने गए, हम तो करते नहीं है बट जो भाई करते हैं वो लेने के लिए गए, अच्छा भाई ने लिया यहाँ पे अपना, ओ अपना यार यहाँ का फेमस ब्रेड पकौड़ा लिया है, खा के टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं है। तो भाई अभी हमने ये लिया है ब्रेड पकौड़ा, यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है ऐसे बीच में काट रखा है, इसके ऊपर चटनी डाल रखी है और मसाला है ठीक है, और बाकी अपना भाई अपना सौदा वोदा लेके आ गए भाई, ये बॉबी भाई भाई दे भाई, तो भाई ये सारे भाई अपना सौदा वोदा लेके आ गए, और एक कावड़िया भी हमारे साथ, भाई एंटिक पीस हमारे साथ, वो डायरेक्ट हरिद्वार से आए हमारे पास, और अभी बाकी से खा के तुम्हें टेस्ट भी दूंगा डायरेक्टर, बढ़िया है टेस्ट, बढ़िया है उपका थोड़ा खट्टा खट्टा सा है ठीक है ठीक है, बाकी अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम्हें, बाजार दिखाता हूँ यहाँ ठीक है। तो भाई ये यहाँ का चौक है तुम्हें दिख रहा है पीछे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये लिखा है आई लव गोंडिया, तो जिस भाई को अभी तक ब्लॉग में समझ में आया हो तो मैं आया हूँ गोंडिया ठीक है, अब समझ आ गया होगा ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी ये यहाँ का चौराया है, और ये सारी गैंग है भाई, थोड़ा तो अभी हम यहाँ पर आए, यहाँ पर फूड वगैरह मिलता है, ये लोकल एरिया है यहाँ पर ना, यहाँ पे सारा ना स्ट्रीट फूड वगैरह मिलता है, इस जगह का नाम पता नहीं है मेरे को वैसे तो, बट मिलता है यहाँ पे स्ट्रीट फूड, तो हम भी स्ट्रीट फूड चेक करने के लिए आए हैं, यहाँ पे स्ट्रीट फूड कैसा मिलता है, टेस्ट कैसा है यहाँ का, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर 9-10 दिन रहना है, तो फिर टेस्ट चेक करना पड़ेगा ना, फिर आगे से हम उसी दुकान पर आएंगे। क्राउड ऐसा है यहाँ पे, ऐसा कुछ क्राउड है यहाँ पे, और बाकी अभी जो भी हम लेते हैं खाने पीने के लिए वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी सारे भाइयों ने ये लिया है बादाम शेक है, और ये पी के अभी टेस्ट रिव्यू देता हूँ इसका कैसा है, अच्छा है वाशा, बहुत अच्छा है, सही बात है ना, वीडियो बनाता हूँ बनाता हूँ, क्या तो भाई को लेडी दीदी का सारा चेक कर लिया है इसका, और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर ना अगर एक एरिया में लाइट जाती है ना तो पूरे एरिया में चली जाती है, जितने भी आसपास एरिया है ना, जैसे अपना क्या है कि अपने यहाँ पे दिल्ली में एक कॉलोनी में लाइट जाती है तो आसपास जगह में लाइट जाती है बस, बाकी सारी जगह उसके बार बार लाइट रहती है, बट यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पर एक कॉलोनी में लाइट जाती है तो यहाँ पे पूरे एरिया में लाइट चली जाती है, मतलब समझ रहे हो कैसा एरिया है। तो दुकानें उकाने से लेकर हर चीज़ से लेकर होटल रेस्टोरेंट से लेकर सब जगह लाइट वगैरह चली जाती है। और ऊपर से गर्मी भाई क्या बताऊँ, क्या सी गर्मी है, बहुत बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ना छोटी सी मार्केट भी है, देखो यहाँ पे सब जगह कहीं भी देखोगे ना कहीं भी हर जगह तुम्हें लाइट ऑफ ही मिलेगी। बस जिन लोगों ने जनरेटर लगवा रखे है ना उनके यहाँ पे देखोगे तुम लाइट भी, देखो वहाँ पे आएगी। बाकी सब जगह देखो, सब जगह लाइट गई भी है। ये देखो यहाँ पे भी लाइट गई है, हम शॉपिंग करके आए हैं। बट मैं नहीं करता ये सारे काम, तुम्हें पता ही है। शॉपिंग ने हमारा बहुत मदद करी। एक ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे ना। समझ रहे हो ना। तो भाइयों अभी बात ऐसी है कि अभी हम आ रहे हैं अपने होटल में, और जो भी मैंने तुम्हें दिखाया हमने सिर्फ वही खाया है और कुछ नहीं खाया है, ठीक है। क्योंकि पेट उससे भर गया था, जूस वूस कुछ लिक्विड वगैरह पी लिया था, क्योंकि यार यहाँ पे लिक्विड पीना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से लिक्विड जितना भी होगा उतना बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, फेस के लिए अच्छा रहेगा। और अभी अंदर महफिल जमी हुई है, दोस्त बैठे हुए अभी अंदर, तो ये जो भी पिन्ना गिन्ना तोड़ेंगे ना, अब देखो तुम्हारा भाई शरीर सादा बिल्कुल सीधा आदमी, मैं तो ये सब करता नहीं हूँ। तो वो जो भी कर रहे हैं ना वो सब पिनक तोड़ेंगे अभी आपस में, वो सब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। भाई यहाँ पे अस्सी कर रहे हैं, भाई की लड़ाई हो गई अपनी बंदी से। भाई की अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के तुम्हें दिखाता हूँ। वाह मैं कह रहा हूँ भाई, तो भाई को बुला लेते भाई, थोड़ी सी लड़की से ना मैंने उसे शब्द नहीं। बंदियों को क्यों करने कर रहा है, मैं बात क्या बोल रहा हूँ। और भाई क्या हाल है? बढ़िया, बताओ क्या है। सारे भाई चल रही है सबको लेके आ रहा हूँ मैं मनाली फिर से। ये भाई नशा नहीं करता, ये भी भाई नशा नहीं करता, मैं सामने से करता हूँ भाई, कब बताते हो बस। ये भाई अपना फुल हैप्पी है, ये देखो भाई अपना भाई छोटी वाला भाई भाई की छह ब्रांच है भाई, अपन ही तो शक्ल दिखा ले। ये भाई है बिल्कुल नशा नहीं करता है मगर फिर भी ये बहुत सीधा कर ले। मैं तुक्का तो पीता नहीं है, पता है दे रही है फ्री में भाई वहाँ के होंगे निमग्गमपुर के। नहीं मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ओए सो जाना, ओए तू सो के आया पूरी ट्रेन में, दो दिन नहीं सोऊंगा। पापे मैं तो बहुत नशा करता हूँ बॉबी भाई, तेरा फोन लेना, मेरे शरीर में टिक-टिक होती रहती है। भाई बोल तो करो, भाई सेम रूम में बैठे हैं, उनका पी रहे हैं, तुम्हारी याद आ रही है। कितना हवा बाज है यार,
भाई आवाजी तो नहीं करी ना भाई, शो ऑफ नहीं करा भाई जिंदगी। अच्छा ठीक है भाई, तेरी कसम ये कर रहा है शो ऑफ, ये कर रहा है फिर शो भाई। सुन पड़ गया, सुन पड़ गया। ये क्यों पी रहे हो भाई, क्या करे बंदी है हम गम कभी इधर पड़ी है कभी इसकी माँ धो दू। हाँ भाई नहीं पढ़ना भाई, बंदियों के पीछे मतलब तुम्हारी गलती, ज्योतिष के पास आए भाई हाथ तो दिखा दो एस्ट्रो टॉक हाथ की लगी रे हाथ, वो तो मिट्टी भी है। इतना मौका नहीं मिला, जिम छोड़ना पड़ेगा। जिम 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 वो तो यार ठीक है, मगर बंदी बंदी बात कर रहा हूँ मैं, बंदी चाहती है जिम छोड़ दो। तो भाइयों ये नेक्स्ट डे है ठीक है, और कल आए भी थे तो होटल वगैरह का भी सब कुछ देखना था और यहाँ का माहौल वगैरह देखना था, इस वजह से ज्यादा शूट नहीं कर पाया। ये वाला ब्लॉग यहीं तक था, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल एंड गुड बाय। बाय कह दो भाई सारे भाई, बाय बाय, जय श्री राम।